लगातार अब एक बार फिर दूसरे दिन कल पूछताछ होगी। देखिए ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, आपराधिक साजिश, यही वो एंगल है जो बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है, क्योंकि यही परिवार भी अब अलर्ज कर रहा है कि क्या विक्टिम को आप इंड्यूस कर रहे थे, क्या इस तरह की दवाएं भाई बहन प्रोक्योर करके दे रहे थे, कौन सा कंपल्शन था, क्या मजबूरी थी, क्यों आप ये तमाम ड्रग्स का इंतजाम कर रहे थे, और ये कौन सी मोहब्बत, कौन से प्यार का हिस्सा है कि आप ड्रग्स मुहैया कराएं, भाई से मांग मांग कर आप ड्रग्स खरीदवाएं, भाई आपका पेडलर्स के साथ रिश्ते रखता है, फुटबॉल के मैदान से उसने ड्रग पेडलर्स के साथ रिश्ते की शुरुआत की थी और अब उसका ये काम था कि वो ड्रग्स मांग रहा है और उससे बहन ड्रग्स मांग रही है, ये क्या है, इसको कैसे ये एक्सप्लेन करेंगे, और इसको प्यार का जो एक तरह से रंग देने की और नाम देने की कोशिश की जा रही है, ये तो धराशायी होगा, मुंह के बल गिरेगा। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए मुंह के बल गिरेगा, देखिए एक तरह की टैक्टिक्स होती है, अगर कोई भी आरोपी होता है, जैसे कल उनके पिता की बात करें, उनके पिता ने मैसेज किया कि एक मिडिल क्लास फैमिली है और तमाम चीजें, तो उनको पता था कि अब शिकंजा कसने वाला है, लेकिन आपको बताऊं कि मिडिल क्लास में काफी जो कम लोग होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं, ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि एक बहन अपने भाई से ड्रग्स मंगा रही है, तो जाहिर सी बात है आशुतोष, क्या इन चीजों पर सवाल नहीं पूछा जाएगा और इस चीजों पर तफ्तीश नहीं होगी कि आप अपने भाई के जरिए ड्रग्स मंगा रही थी और ड्रग्स मंगा रही थी और किसी को डिलीवर कर रही थी, तो अपने आप में क्राइम तो हुआ ना एनडीपीएस। देखिए एक तो ड्रग कंजम्पशन अपने आप में क्राइम है, रखना वो भी क्राइम है, लेकिन अगर आप खरीद फरोख के साथ साथ उसे आगे बढ़ा रहे हैं, यही मैं वो कह रहा हूँ कि साजिश और षड्यंत्र के लिए मामला सीधे सीबीआई को मिल जाता है, यहाँ तो सिंडिकेट की बात है, उस सिंडिकेट में अगला सवाल बहुत वाजिब है कि क्या आगे ड्रग्स रिया ने दिया, अगर वो ये कबूलती है दिया नहीं दिया, लेकिन अगर कड़ी में ये एजेंसी साबित करने में कामयाब होती है कि ड्रग्स दिया है तो सीधे मैं आपको बताऊं कि देखिए जो रिया के इंटरोगेशन की डिटेल, एक्सक्लूसिव डिटेल, अगर आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं, यहीं पर जो रिया से पूछताछ हो रही थी, जो अंदर पूछताछ हुई उसकी डिटेल बाहर आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, जिसमें तीन बड़े कबूलनामे उन्होंने किए हैं और शायद यही वजह है कि कल भी पूछताछ होगी, और वो तीन बड़े कबूलनामों में सबसे बड़ा कबूलनामा है आज तक की खबर पर मोहर है, जब आज तक ने बकायदा 15 मार्च 2020 की वो व्हाट्सएप चैट दिखाई थी जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई से कहती हुई दिखाई दे रही थी कि वो दिन में 4 बार सिगरेट लेता है, वो ड्रग्स वाले सिगरेट की बात हो रही थी, जिसके बाद जो उसका भाई है सौविक चक्रवर्ती वो कहता है कि वो बट अरेंज कर देगा, 5 ग्राम बट अरेंज कर देगा, ड्रग्स की इनडेप्थ नॉलेज न सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि सौविक चक्रवर्ती को थी, रिया चक्रवर्ती को व्हाट्सएप चैट दिखाया गया, उन्होंने वो चैट एक्सेप्ट किया, इसके अलावा सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने जाता था, जैद के पास ड्रग्स लेने जाता था, इस बात की जानकारी थी, न सिर्फ जानकारी थी बल्कि उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि सौविक चक्रवर्ती के साथ मिलकर वो बकायदा उस ड्रग पेडलर को कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो ये जो तमाम कबूलनामे अब तो ये मुश्किल खड़ी करेंगे। बिल्कुल 15 मार्च को चैट है, मैं आ रही हूँ अरविंद आपके पास, 15 मार्च को चैट है ये पूरा ड्रग्स का, भाई बहन ड्रग्स प्रोक्योर कर रहे हैं और उसके बाद 17 को ये ड्रग्स की डिलीवरी होती है जिस पर एनसीबी ने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया है। अब यहां से चित्रा पूरा मामला आगे बढ़ेगा, तार जुड़ेंगे, ईडी सीबीआई, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं थी, सुशांत सिंह राजपूत की सेहत के साथ ये आपराधिक साजिश हो रही थी नहीं हो रही थी, इन सब के तार धीरे धीरे यहां से खुलेंगे, क्योंकि ये कबूलनामा एक तरह से ये स्वीकारना है कि आप इस तरह से एक एक दिन में 4-4 इस तरह के सिगरेट्स की बात हो रही है और प्लानिंग हो रही है भाई बहन की। चित्रा बकायदा उसके सबूत हैं, व्हाट्सएप चैट में इस बात का जिक्र किया गया है और इसी वजह से परिवार के लोग लगातार सुशांत के ये बात कह रहे थे कि आपराधिक साजिश के तहत मेरे बच्चे की हत्या की गई है। उनके पिता के शब्दों पर अगर एक बार फिर से हम गौर करें तो उन्होंने कहा है कि ये जहर देती थी मेरे बच्चे को, हत्यारिन है, बकायदा रिया चक्रवर्ती के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीछे का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि जहर लाकर दे दिया और मार दिया, उसके पीछे दरअसल परिवार की सोच यही थी कि जिस तरह से ड्रग्स को ले आकर सुशांत सिंह राजपूत को दिया जाता था। और यहाँ पर सवाल ये भी उठ, देखिए रिया चक्रवर्ती से आपको याद होगा आज तक ने भी सवाल पूछा था कि ड्रग्स आपने आप क्या लेती हैं, तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया कि नहीं भैया मैं तो बिल्कुल नहीं लेती हूं, लेकिन उनकी व्हाट्सएप चैट तो इस बात का बिल्कुल जीता जागता सबूत है कि उनको कितनी ज्यादा जानकारी ड्रग्स के मामले में थी और अपने भाई सौविक चक्रवर्ती से वो ड्रग्स को मंगवाती थी। अब सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत को क्या ड्रग्स आपने ही लगवाई, ये सवाल यकीनन यहां पर भी आज पूछा गया है और कल फिर से पूछा जाएगा, क्योंकि यहां पर झूठ तो नहीं बोल रही है रिया चक्रवर्ती, इस बात को भी की कोशिश में चित्रा जो आप कह रही हैं, चित्रा जो आप कह रही हैं, इसी पर जल्दी से एक बार अरविंद से सवाल पर पूछना चाहती हूँ। अरविंद
देखिए रिया तो पहले से ही इंटरव्यू के वक्त से ही कह रही थी, इंटरव्यू के वक्त से ही कह रही थी कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, केदारनाथ मूवी के पहले से लेते थे, लेकिन अभी तो असर्टेन करना है ना एनसीबी को, ये पता लगाना है ये 4 सिगरेट्स कौन लेता था, कोई किसी के लिए भी हो सकती है, किसी और, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, किसी के बारे में वो कह सकती है, ये तो असर्टेन करना होगा ना कि वो किसके लिए लेते थे, क्या इस तरफ कुछ भी आगे हाथ लगा है। अरविंद अगर आप सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए, मौसमी अगर आप सुन रही है आप जवाब दीजिए। जी मैं लाइव पे हूँ, मैं कॉल मौसमी नहीं सुन रही, अरविंद तक अरविंद हो जा, मौसमी जवाब दीजिए, मुझे सुनाई दे रहा है मौसमी जी। अंजना देखिए इस बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से जो दलील शौविक चक्रवर्ती ने दी, क्या वही दलील रिया चक्रवर्ती देंगी, क्योंकि शौविक ने अपनी दलील में ये कहा है कि सुशांत पहले से ड्रग्स लेते थे, रिया तो 2019 में आई थी और जितने हेल्पर्स सुशांत के साथ घर में रहते थे वो इस बात से वाकिफ थे कि सुशांत जो है वो ड्रग्स लेते हैं, तो ऐसे में रिया ने या मैंने कुछ फैसिलिटेट नहीं कराया, हालांकि उनकी ये बात कॉन्ट्रडिक्ट करती है उनके व्हाट्सएप चैट्स पे, उस पे ये काउंटर दलील दी जाती है कि एनसीबी के हाथ में कुछ भी पुख्ता नहीं है, उनके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस हैं जो कि परमिसिबल कोर्ट में नहीं है, कोई मटेरियल सब्सटेंस उनकी गाड़ी की पड़ताल में, उनके घर की पड़ताल में नहीं मिला है, पर ये भी हकीकत है कि एनसीबी की पड़ताल 2 महीने बाद शुरू हुई है। जाहिर तौर पे रिया और शौविक अगर ऐसा है और वो खुद भी ड्रग्स लेते थे या उनका कुछ लेना देना था तो वो पूरे एरिया को सैनिटाइज कर देंगे, इसलिए जो वो दलील दे रहे हैं वो कितनी टिकती है ये देखना है, और क्या रिया भी यही काउंटर आर्ग्यूमेंट देती है। अंजना मौसमी आप चित्रा अरविंद लगातार खबर कवर कर रहे हैं, आपने कुछ ही देर पहले मुझे बताया था कि आज सुबह जब वो निकली बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी, लेकिन फुल स्क्रीन तस्वीर एक बार दिखाइए, आज जब वो निकल रही थी तो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं और इसी के साथ बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदला हुआ है, तो क्या ये कबूलनामे का ही साइड इफेक्ट था? देखिए कहीं ना कहीं एनसीबी ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली हुई है, एनसीबी भी अपना होमवर्क करके ही रिया को कन्फ्रंट कर रही है, और यही वजह है कि एनसीबी ने आज भी अरेस्ट कर सकती थी, पर जल्दबाजी में एनसीबी कोई कदम नहीं उठाना चाहती कि उसकी किरकिरी हो, और यही वजह है कि कल रिया को दोबारा समन किया गया है ये कह के कि रिया समय पर नहीं पहुंची, 11 बजे का टाइम था, रिया 12 बजे पहुंची है, 1 घंटे कोर्ट को ये दिखाना चाहती है एनसीबी कि 1 घंटे रिया पहुंची, इसीलिए हमने मोहलत दी है उनको और हम दूसरे दिन भी हमने पड़ताल की है, जल्दबाजी नहीं की है गिरफ्तारी में। तो अंजना ये सारी बातें कहीं ना कहीं कोर्ट में जब दोनों पक्ष जाएंगे तो अपनी दलील देंगे, रिया लगातार इमोशनल अपील दे रही है, सुबह भी उनके लॉयर ने एक इमोशनल मैसेज भिजवाया, कल उनके पिताजी ने बात कही थी, हालांकि दोनों पक्षों को वेट देना, दोनों पक्षों की बात कहना ये हम लोग लगातार कर रहे हैं, पर जो सच है और जो झूठ है वो सामने आना चाहिए दर्शकों के, और ये बेहद महत्वपूर्ण, और यही वजह है कि एनसीबी की पड़ताल बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसके तार फिर सीबीआई की पड़ताल से भी जुड़ेंगे। अंजना बिल्कुल अरविंद जल्दी से आपसे एक रिएक्शन, अभी तो ये भी साबित करना है कि ये वो कौन है जो जिसके लिए 4 सिगरेट 5 ग्राम ले लो 20 सिगरेट बन जाएंगी, ये शख्स कौन है जिसके लिए ये दोनों भाई बहन ये सब कर रहे थे, या उस पर कोई लीड है? अरविंद अरविंद नहीं है हमारे साथ, अरविंद के पास फिर से चलेंगे। चित्रा आपके पास फिर से आते हुए सवाल यही है कि अब पूरी तरह से एक तरह से जो आप कह सकते हैं कि मामला ऐसा घिर गया है क्योंकि एनसीबी तो ऐसे तमाम फोरेंसिक एविडेंस के साथ जा रही है, व्हाट्सएप चैट जिसमें शामिल है, जिसके जरिए जिसको नकार पाना, पल्ला झाड़ पाना, कोई हथकंडा अब नहीं चलेगा, इसीलिए शायद सुबह से शाम होते होते सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस जो चेहरे पे दिख रहा है उसकी ऐसी की तैसी हो गई।
वो होना ही था, क्योंकि देखिए एनसीबी के पास सबूत हैं और सबूतों के आधार पर ही एनसीबी ने गिरफ्तारी की थी शौविक चक्रवर्ती रिया के छोटे भाई को, और उसी के आधार पर कोर्ट से एनसीबी को 4 दिनों की रिमांड भी मिली। जाहिर तौर पर वही सारे सबूत रिया चक्रवर्ती के लिए भी मुश्किलें पैदा करने वाले हैं, इसीलिए सीबीआई से पूछताछ की स्थिति अलग थी। लेकिन आज जब एनसीबी ने पूछताछ और सवालों की फहरिस्त के साथ रिया चक्रवर्ती के सामने अधिकारी बैठे, तो उसके बाद उनके लिए जवाब देना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि इनका एक गलत जवाब यानी कि दूसरी तरफ से लगातार क्रॉस क्वेश्चन, और ये बताया जाता था कि देखिए अब आपके खिलाफ सबूत हैं, यहाँ पर आपने अगर गलत बयानी की तो फिर आपके फंसने के चांसेस हैं। और रिया चक्रवर्ती को भी इस बारे में एहसास था कि अगर ऐसा होता है तो फिर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।